सो न्यू टॉपिक इज थायरॉयड डिसीज। इट इज़ द पार्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जिसमें थ्री पार्ट्स थे आपके, डायबिटीज मेलाइटिस था, सेकंड थायरॉयड डिसीज था, थर्ड वन था आपका मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मलिटीज। तो डायबिटीज मेलाइटिस आपका फिनिश हो गया, अब आपका आता है थायरॉयड डिसीज। ठीक है, थायरॉयड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे होते हैं, ठीक है, हम इसमें उनके बारे में स्टडी करेंगे। थायरॉयड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द थायरॉयड कार्टिलेज इन द सेंटर ऑफ द नेक एंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। ये क्या है, आपके ट्रेकिया के पास होती है और इट इज़ अ द बटरफ्लाई शेप ग्लैंड। इसकी जो शेप होती है वो बटरफ्लाई जैसी होती है, ठीक है। इट प्रोड्यूस टू थायरॉयड हार्मोन जैसे कि T3 T4। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था, तब इसका थोड़ा सा थायरॉयड ग्लैंड का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें यही दिया था T3 और T4 हार्मोन रिलीज करती है, और एक और हार्मोन कैल्सिटोनिन वो भी आपको ये रिलीज करके देती है थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। तो इट रेगुलेट द बॉडी ब्रेक डाउन फूड एंड एनर्जी स्टोर मेटाबॉलिक। इसका जो मेन फंक्शन है थायरॉयड ग्लैंड का वो क्या है, ये है कि रेगुलेट करती है ब्रेक डाउन फूड को, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज को एंड मेटाबॉलिक रेट को हमारी बॉडी में, ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। अब आता है, इसमें लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल दी थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी होती है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जिससे काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, तो वो क्या वो कंट्रोल करती है TSH। TSH क्या है, थायरॉयड स्टिमुलेट हार्मोन, ठीक है। अब आता है फंक्शंस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड के क्या क्या फंक्शंस है। फर्स्ट है इसका मेटाबॉलिज्म, दूसरा है कैलोरोजेनिक, थर्ड मेमरी ग्लैंड फंक्शनिंग में, किडनी एंड हार्ट फंक्शनिंग, ये नॉर्मल इस ग्लैंड के फंक्शन है मेन, ठीक है। एंड रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, कैल्सिटोनिन भी रिलीज करता है ये ग्लैंड, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा कैल्सिटोनिन का मेन वर्क क्या होता है कि जो हमारा लेवल है कैल्शियम का ब्लड में वो रेगुलेट रहता है, ठीक है। अब आता है डिसफंक्शंस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, और डिसफंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं इस ग्लैंड्स के। अगर थायरॉयड ग्लैंड में से ये हार्मोन्स प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होते हैं तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि डिसीज़ तभी आपकी बॉडी में होती है, तभी अकर करती है जब दो केस होते हैं, या तो हाइपर या हाइपो। ऑप्टिमल लेवल पे हमारी बॉडी वर्क करती है, अगर ऑप्टिमम लेवल थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर कॉज होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो डिसफंक्शन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड में क्या बताया इन्होंने, बताया है फर्स्ट वन है हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकंड वन है हाइपरथायरॉयडिज्म, जैसे कि इनके नाम से पता चलता है, हाइपो मतलब लेस, हाइपर मतलब मोर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए, इट इज़ अ लिटिल थायरॉयड हार्मोन रिलीज फ्रॉम द थायरॉयड ग्लैंड इन दिस ये क्या है हमारा एक इट इज़ अ लिटिल थायरॉयड हार्मोन रिलीज, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब लेस अमाउंट में, हाइपो मतलब लेस, जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होंगे T3 और T4 वो क्या लो अमाउंट में रिलीज होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये हम भी हमने इसका फंक्शंस पढ़ा था, फंक्शन क्या था, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट जो हमारी बॉडी का वो स्लो हो जाएगा। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो अभी TSH हार्मोन रिलीज कर रहा था थायरॉयड के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है, तो वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होगा, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज द प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय द थायरॉयड और बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। द रिजल्ट इज दैट द थायरॉयड इज प्रोड्यूसिंग टू फ्यू हार्मोन्स। मेन यही है कि इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि जो आपका थायरॉयड के जो हार्मोन्स हैं उनका अमाउंट कम रिलीज होगा, ठीक है। अब आपका आता है दूसरा, नेक्स्ट आपका देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, फैटी, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, फीलिंग कोल्ड, डिप्रेशन, एक्सेसिव ब्लीडिंग इन वुमेन एंड हेयर लॉस। ये आपके जनरली सिम्टम्स हैं जिनसे कि अगर ये होते हैं केस में तो आप जनरली डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको मतलब हार्मोन डिस्टर्बेंस हो रहा है। उस हार्मोन डिस्टर्बेंस में आपके कौन सा पर्टिकुलर हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, T3 या T4, आप रेगुलर चेकअप करा सकते हैं उसके लिए, ठीक है। अब आता है हैशिमोटो थायरॉयडिज्म, इसमें क्या है, ये एक डिसीज़ होती है, ठीक है। ये डिसीज़ क्यों होती है, क्योंकि इसमें ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन हो जाता है ऑफ थायरॉयड ग्लैंड का।
ऑटो इम्यूनी सिस्टम में मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे कि उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ में था कि बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है खुद पे खुद, क्योंकि हमारे जो बॉडी है वो उनको रिकोगनाइज नहीं कर सकती, तो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो आपका कहलाता है ऑटो इम्यूनी सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है, ऑटो इम्यूनी इन्फ्लामेशन हो जाता है थायरॉयड ग्लैंड का, जिसकी वजह से क्या है, उससे जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं, ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं, फिर हम उस इन्फेक्शन को क्योर करते हैं, तो उस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए मेडिकेशंस देते हैं, उसकी वजह से क्या है वो इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से टू मच हार्मोन रिलीज होता है, डिक्रीज हो जाती है रेट उनकी, तो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। इफ प्रेग्नेंट वुमेन सफर दिस डिसीज दी बेबी बोन इज शॉर्ट, वही है कि अगर प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वुमेन को ये वाली डिसीज होती है तो बेबी भी सफर करेगा, ऑब्वियस सी बात है। माइजोडीमिया इसमें क्या है, इट कॉज गोइटर कंडीशन। गोइटर कंडीशन जनरली आपने देखा होगा कि गले में किसी के बहुत सारे सेल्स स्वेल कर जाते हैं, तो वही है कि टिश्यू का एक्यूमुलेशन हो जाता है एक पर्टिकुलर साइट पे। ठीक है, ये भी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। अब है आपका हाइपरथायरोडिज्म। हाइपरथायरोडिज्म क्यों हुआ, जैसे हाइपो था, हाइपो मतलब कम अमाउंट में रिलीज होते थे आपके थायराइड के हॉर्मोन्स, और इसमें क्या है, हाइपर मीन्स लार्ज अमाउंट में रिलीज होंगे, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दी थायरॉयड हॉर्मोन्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अन एक्टिव थायरॉयड ग्लैंड्स, मतलब वही है कि आपके ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाएंगे थायरॉयड हॉर्मोन्स, दी इंक्रीज अमाउंट ऑफ थायरॉयड हॉर्मोन्स कॉल्ड हाइपोथायरॉयड, वही है उसको वही बोलेंगे हाइपरथायरॉयड। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म नोन एज ग्रेव डिसीज, इसको सेकेंड नेम है इसका ग्रेव डिसीज़। ओके, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इसके सिम्टम्स हैं नर्वसनेस, फास्ट हार्ट रेट, फटीग, इंक्रीज इन बाउल, वही है कि कॉन्स्टिपेशन जैसा आपका रहेगा, आपका जो एक्टिविटीज़ है गेस्ट की वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएंगी, इंक्रीज स्वेटिंग, ठीक है, आपको पसीना ज़्यादा आना लगेगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड, जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिसऑर्डर से पहले मैंने इसलिए सारे ग्लैंड्स का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि आपको पता चल सके कि कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उसका मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड मैंने बताया था, जिससे कि हार्मोन रिलीज होता है पैराथो हार्मोन, ठीक है, जो आपको रेगुलेट करता है कैल्शियम के लेवल को इन केस ऑफ डेफिशिएंसी, आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है उस केस में ये आपके कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।